देश के लोकप्रिय गद्दार। हिंदुस्तान के इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि हमारे देश को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव प्राप्त था। लेकिन जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश पर फिरंगियों यानी अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसके बाद ही भारत से वो गौरव छिन गया। हम सभी ने जब भी इतिहास के बारे में पढ़ा या सुना तो उससे हमें यही पता चला है कि हमारा देश अत्यधिक समृद्धशाली था, जिसे बर्बाद करने के पीछे न केवल अंग्रेजों का बल्कि आक्रमणकारियों का भी हाथ रहा है। हम हमेशा भारत में बाहर से आए अंग्रेजों को ही दोषी मानते रहे, जबकि उनसे ज्यादा भारत को मिटाने या यूं कहें बर्बाद करने के पीछे भारत के ही लोगों का हाथ रहा है। आपको याद दिला दें, हमारे देश में प्राचीन काल से धोखेबाजों के लिए कई प्रकार की कहावतों और मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जैसे विभीषण होना, पीठ पर खंजर मारना, जयचंद होना, आस्तीन का सांप होना। इन सभी लोकप्रिय कहावतों व मुहावरों में एक बात समान है, इन सभी कहावतों में जिन लोगों का जिक्र किया गया है उन सभी को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज गद्दार माना जाता है। जहां एक तरफ लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की थी, वहीं दूसरी ओर कई देशवासी ऐसे भी हुए हैं जिनकी गद्दारी की वजह से भारत को आजाद होने में लगभग 100 वर्ष का समय लग गया। इन्हीं कुछ गद्दार देशवासियों ने हमारी नींव कमजोर कर दी, जिसकी वजह से भारत को आजादी मिलने में देरी हो गई। इतिहास साक्षी है कि जितने सितम व जुल्म के लिए फिरंगी या अंग्रेज जिम्मेदार हैं, उतने ही हिंदुस्तानी गद्दार भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। अगर ये गद्दार लोग देश के साथ गद्दारी न करते तो हमारा देश 1857 में ही आजाद हो जाता। जरा सोचिए, अगर हमें उस समय आजादी मिल जाती तो शायद आज देश का गौरव कुछ और होता। आपको बता दें, हमारे देश के गद्दार जमींदारों ने 1857 की क्रांति में अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। इन गद्दार जमींदारों ने अंग्रेजों को सैन्य शक्ति, जमीन और इसके साथ ही आर्थिक सहायता भी दी, जिसके कारण विदेश से आए अंग्रेज मजबूत होते चले गए। गद्दारों ने यह सब इसलिए किया कि अगर कहीं हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो जमींदारों की जमीन और उनका शासन उनके हाथ से निकल जाएगा। चलिए, आज हम आपको देश के ऐसे लोकप्रिय गद्दारों के कारनामों से अवगत करा रहे हैं जिन्होंने अपने देश की पवित्र माटी का सौदा विदेशियों से किया और रच दिया अपने कारनामों से कलुषित इतिहास। भारत में जब भी धोखे की या गद्दारी की बात चलती है तो जयचंद एक ऐसा नाम है जो शायद सबने ही सुना होगा। हिंदुस्तान में ऐसे कई राजपूत राजा हुए हैं जिन्हें आज भी वीरों के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन राजपूतों में से एक राजा ऐसा भी हुआ है जिसने अपने ही देश हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है। एक बहुत मशहूर कहावत है राजा जयचंद के बारे में, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को हिंद में आबाद कर दिया। यह कहावत राजपूत के सपूत गद्दार राजा जयचंद के लिए लिखी गई थी। जयचंद कन्नौज साम्राज्य का राजा था। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत पुरानी थी, इसके चलते उन दोनों के बीच कई बार भयंकर युद्ध भी हो चुका था। इसके बावजूद पृथ्वीराज संयोगता से शादी करके जयचंद का दामाद बन गया था। फिर क्या था, जयचंद अंदर ही अंदर पृथ्वीराज का और बड़ा दुश्मन बन गया और वह बदला लेने की तलाश में रहने लगा। इसी बीच जयचंद को पता चला कि मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद व मोहम्मद गौरी मिल गए। मोहम्मद गौरी का साथ देने के पीछे जयचंद की एक बहुत बड़ी चाल थी। जयचंद इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वह अकेले पृथ्वीराज से नहीं जीत सकता,
और अगर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से युद्ध में जीत जाता है तो उसे उपहार के रूप में दिल्ली की सत्ता मिल जाएगी। दिल्ली की सत्ता के लालच में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने कन्नौज और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद गौरी के राज करने के बाद जो कुछ हुआ हम सब उसके बारे में जानते ही हैं। जयचंद की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रेम करते थे। पृथ्वीराज चौहान अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए जयचंद से भिड़ गए। उसके बाद उन्होंने संयोगिता से शादी भी की थी। हिंदुस्तान का दूसरा गद्दार जिसका नाम है राजा मानसिंह, एक तरफ जहां महाराणा प्रताप भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं राजा मानसिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। राजा मानसिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति थे। देश के तीसरे गद्दार थे ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया, जिन्होंने अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जानी जाने वाली रानी झांसी के साथ गद्दारी की थी। जयाजी राव सिंधिया जो कि तत्कालीन ग्वालियर का महाराजा था, देशद्रोही राजाओं में से एक था। यह अंग्रेज का भरपूर समर्थक था। जयाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक कूटनीति तैयार की थी जिसके तहत सेना को झांसी की रानी के ही खिलाफ भड़काया और जब अंग्रेजी सेना रानी झांसी के सेना के साथ लड़ने आई तब ग्वालियर की बागी सेना ने रानी को अकेला छोड़ दिया। जयाजी राव सिंधिया ने 1857 की आजादी की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। तात्या टोपे व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल करने के लिए और अंग्रेजों के प्रति इस वफादारी को निभाने के लिए जयाजी राव सिंधिया को अंग्रेजों ने नाइट्स ग्रैंड कमांडर के खिताब से सम्मानित किया था। हिंदुस्तान के गद्दार पटियाला के राजा ने भी सिखों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति में पंजाब में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की। इस बगावत को दबाने के लिए पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, कपूरथला के राजा रणधीर सिंह और जींद के राजा स्वरूप सिंह ने इस विद्रोह को दबाने और कुचलने में अंग्रेजों का पूरा पूरा साथ दिया। इसके लिए इन राजाओं ने अंग्रेजों को हर चीज मुहैया कराई ताकि सिखों के इस आंदोलन को दबाया जा सके। किसी को भी गद्दार कहने के लिए मीर जाफर कहना ही काफी होता है। उसके शासनकाल से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। आपको बता दें मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा था और सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसने प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर लड़ा था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दे दिया था। माना जाता है कि इसी घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत हुई थी। हिंदुस्तान के बंगाल के सेनापति ने युद्ध में गद्दारी की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जब बंगाल की बागडोर संभाली तो वे अंग्रेजों के नापाक मंसूबों को जान गए थे। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की तानाशाही पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कई सख्त और कड़े कदम उठाए जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में भूचाल आ गया था। अपनी ताकत को कमजोर पाकर अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जंग के लिए चुनौती दी जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ पलासी की जंग लड़ी। लेकिन इस जंग में बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर ने गद्दी हासिल करने के लालच में गद्दारी कर ली और इस युद्ध में उसने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। इस गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल की गद्दी मीर जाफर के हाथों चली गई। हिंदुस्तान के गद्दारों में राय बहादुर जीवनलाल और उसके पिता राजा रघुनाथ बहादुर का नाम भी लिया जाता है।
इन दोनों बाप बेटों ने अंग्रेजों का साथ दिया। औरंगजेब के मुख्यमंत्री राजा रघुनाथ ने अंग्रेजों से हाथ मिलाकर मुगल शासन को खत्म करने की ठान। फिर इसके बाद में राजा रघुनाथ के बेटे राय बहादुर जीवन लाल ने भी अंग्रेजों से हाथ मिलाकर अपने फायदे के लिए भरतपुर रियासत के दरवाजे अंग्रेजों के लिए खोल दिए। इन बाप बेटों की गद्दारी की वजह से ही अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हो गए। भारतीय इतिहास के गद्दारों में फणीन्द्रनाथ घोष का नाम गद्दारों में शायद सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सैंडर्स वध और असेंबली में बम फोड़ने के केस में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। वो फणीन्द्रनाथ घोष ही था जिसकी गवाही की वजह से भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फणीन्द्रनाथ घोष को अंग्रेजों ने सरकारी गवाह बनाया था। फणीन्द्रनाथ घोष ने ही पंडित चंद्रशेखर आजाद के शव की शनाख्त भी की थी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।